बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौज़ूज़ अहबाब। मैं हूँ अज़र मिनास और हाज़िर हूँ हमेशा की तरह उताक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोस्तान इनक्लेव के गेट पे, जो कि ब्रामा इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। आपको मैं आज इस इलाके का विज़िट करवाऊँगा, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो डेवलपमेंट है उसके मुतलिक। ये जो गेट अभी आप सामने देख रहे हैं, ये तकरीबन 2 माह पहले कोलैप कर गया था शदीद बारिशों की वजह से। अब दोबारा जो है वो नए सिरे से इसको बनाना शुरू किया हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन बुलेवर्ड पे, जो कि एंट्री पॉइंट है ब्रामापात्र इंटरचेंज से इसका। और आपको मैं आज दिखाता हूँ किस एरिया में किस हद तक जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हो चुका है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पाइप और ब्लॉक फैक्ट्री है। इसके अलावा टफ टाइल्स भी यहीं पे तैयार की जाती हैं, जो कि कोस्तान इनक्लेव में सारा इस्तेमाल किया जा रहा है सामान। ये जो सामने का एरिया है, ये कुछ अर्से पहले ही परचेज़ किया गया है, और यहाँ पे आपको सामने बाउंड्री भी नज़र आ रही होगी। ये एक्वाफन का एरिया है, जो यहाँ का मशहूर मारो पार्क है, बिल्कुल उसके साथ ये बाउंड्री मिलती है इसकी। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जारी है और काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है काम को। बारिशों की वजह से काफ़ी काम मुतासर हुआ था, लेकिन अब ज़ोरों शोर से काम जारी है। हमारे जो राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक गोल दायरा सा है, बहुत बड़ा सा। ये सारा होगा मुस्तकबिल का कमर्शियल एरिया, जो कि ब्रामो वाली साइड पे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ मौजूद होगा। यहाँ पे जो वाटर चैनल्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे कंक्रीट किया जा रहा है, और ऊपर से भी कंक्रीट किया जा रहा है। कोस्तान वालों की एक बात है कि हमेशा जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होती है, और उस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी इनकी अपनी है। सीवरेज पाइप यहाँ पे रोड के साथ साथ पड़े हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। ये रोड बनाने के साथ साथ ही सीवरेज डालने का भी काम हो रहा है। मेन ब्लेवर्ड पे इस वक्त हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ये नाले के लेफ्ट साइड पे सारा एरिया है, और इसको एक और रास्ता भी दिया गया है, जो अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एक पुल बना हुआ है जिस पे जो राइट का एरिया, जो सामने एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उसको लिंक किया गया नाले के दूसरी साइड पे। रिपीटिंग का काम सारा कंप्लीट हो चुका है उस एरिया में, ये एरिया रह गया है। और एक्सपेक्टेड है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक होगा वो इसी एरिया में आएगा। ये चूंकि ऊंचा एरिया था, इसलिए यहाँ पे लेवलिंग का काम हो रहा है, और वहाँ से मिट्टी उठा के नाले के करीब करीब जो गहरे एरिए थे वहाँ पे डाली जा रही है, ताकि लेवल कंप्लीट किया जा सके। ये आपको यहाँ पे आपको एक सामने पुल भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें जो है वो लिंक किया गया है उस एरिए को। पुल कम्प्लीट हो चुका है, और उम्मीद है कि इसको जल्दी मिला दिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये जो अपडेट है ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।